हम लोगों ने भी छूट दी थी इस तरह की, और मैं आपके पास आंकड़े लेकर आया हूं कि कितनी बार घटा कितनी बार पड़ा, लेकिन यहां तो मैं मुझे याद ही नहीं पड़ता है कि एक बार भी घटा हो। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखेंगे कि इनके 7.5 साल के कार्यकाल में 24 बार इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, 24 times दे हैव रेज, नॉट 24 times इन दैट सेंस कि 24 times बढ़ा है, नंबर ऑफ ओकेजन ऑन विच दे हैव रेज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इज 24। और इसमें जो इन्होंने इजाफा किया है वो है, हम जब छोड़ के गए थे तो पेट्रोल की कीमत थी 33 रुपीज़ 71 पैसे प्रति लीटर, आज दिल्ली में उसकी कीमत हो गई है 68 रुपीज़ 65 पैसे प्रति लीटर, यानी कि 7.5 साल में 35 रुपये से कीमत बढ़ी है पेट्रोल की, प्रति लीटर कीमत पेट्रोल की 35 रुपये बढ़ी है UPA 1 UPA 2 के कार्यकाल में। और सिंस मई 2009 जब UPA 2 का कार्यकाल शुरू हुआ था उस समय से अगर देखें तो 24 रुपये कीमत बढ़ी है पेट्रोल की, 24 रुपये। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि क्रूड की कीमत भी ऊपर नीचे होती है स्पॉट मार्केट में, लेकिन इतना वेरिएशन नहीं होता है नेगोशिएटेड प्राइस में। अब आप दूसरा देखिए आंकड़ा कि कंपेयर टू ऑल आर नेबर्स आर प्राइसेस आर मच हायर, इसकी कीमत अगर दिल्ली में आज के दिन 68.65 है, 68.65, देन इट्स 42.82 इन द US, इट इज 41.81 इन पाकिस्तान, इट इज यस इट इज इन ऑल इन इंडियन रुपीज, इट इज 50.30 इन श्रीलंका, इट इज 44.80 इन बांग्लादेश। हमारे जितने इम्पोर्टेंट नेबर्स हैं उनकी तुलना में हमारी कीमत इतनी ज़्यादा है। और इसमें जो टैक्स का अंश है, विदाउट टैक्सेस इन इंडिया पेट्रोल वुड बी कॉस्टिंग ₹23.37 लीटर्स इन दिल्ली, 23.37 दैट इज द प्राइस ऑफ क्रूड रिफाइनिंग इन दिस दैट नियर अदर एंड ट्रांसपोर्टेशन विदाउट टैक्सेस। अगर 68.65 है, द बैलेंस बियॉन्ड 23.37 इज ऑल टैक्सेस। इन्होंने योजना क्या बनाई, और यहां पर आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द डी रेगुलेशन विच वी हैड डन इफेक्टिव 1 अप्रैल 2002। और उसमें हम लोगों ने यह कहा था कि अगर क्रूड की कीमतें भागेंगी बढ़ेंगी और सरकार महसूस करेगी कि इसका भार जनता के ऊपर नहीं दिया जाए तो सरकार टैक्सेस एडजस्ट, दिस वॉज द फॉर्मूला दैट वी हैड अडॉप्टेड। और ये लोग हाउस टॉप्स से कह रहे हैं कि आपके समय में इतना था और हमारे समय में क्रूड की कीमत इतनी हो गई। आई लाइक टू रिमाइंड यू कि जब 1998 में हमारी सरकार बनी थी उस समय क्रूड जो हम खरीदते हैं उसकी कीमत थी $10 प्रति बैरल, और जब हमने छोड़ा उस समय इसकी कीमत थी लगभग $40 प्रति बैरल, यानी कि इट वॉज अ 4 times इंक्रीज।
और ठीक है इन $40 से बढ़ के $80 पर इनके टाइम में पहुंचा है, तो ऐसा नहीं था कि बड़ा स्टेबल था क्रूड मार्केट हम लोगों के टाइम में और कोई इंक्रीज नहीं हुआ। समय समय पर हम लोगों ने भी कीमतें बढ़ाई, लेकिन हमने जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को छूट दी तो कीमतें उन्होंने घटाई भी, और वो सारे आंकड़े हमारे पास हैं। लेकिन हमने कभी ये कह के नहीं क्रूड पेट्रोल की कीमत बढ़ाई या डीजल की कि रुपया डॉलर के तुलना में अब मूल्यन हो गया है, उसका डिवैल्यूएशन हो गया है, इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। क्यों डिवैल्यूएशन हुआ? हम $315 बिलियन रिजर्व में रख के क्या कर रहे हैं? वाई आंट वी इंटरवीनिंग इन द मार्केट, इन द एक्सचेंज मार्केट? वाई आंट वी मॉडरेटिंग द फॉल ऑफ द रूपी अगेंस्ट द डॉलर? और अगर कल को रुपए की कीमत, जैसे मैं आपसे कह रहा था, अगर बिना आरबीआई के इंटरवेंशन के भी 45-46 रुपीस पर डॉलर आ जाए तो क्या सरकार घटाएगी पेट्रोल की कीमतें? आज तक तो उन्होंने किया नहीं ऐसा, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इनफैक्ट देर आर रिपोर्ट्स दैट क्रूड प्राइसेस हैव फॉलन बाय $3 पर बैरल इन द लास्ट फ्यू डेज। तो एक तरफ क्रूड की कीमत घट रही है या स्टेडी है मैक्सिमम, और इधर हमारी सरकार जो है वो बढ़ाती जा रही है कीमतें। फिर मैंने बताया आपको कि किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में बढ़ाया, जबकि इनका फूड इन्फ्लेशन 12.5% के पास चला गया है। उस परिस्थिति में आप ये दोहरी मार आम आदमी के ऊपर डाल रहे हैं। आम आदमी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति जो मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाता है वो उसमें पेट्रोल डालता है, और जब कार्स की संख्या इतनी हो गई है, आम आदमी का वाहन बन गया है, तो स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स तो ही हैं आम आदमी का वाहन आज के दिन। मैंने आपसे कहा था पहले भी, अब फिर आज दोबारा इस बात पर जोर देके कहता हूँ, व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह विजिट ए विलेज इन दिस कंट्री? व्हेन? लेट द पीएम कम आउट, लेट द पीएमओ कम आउट एंड से दिस वाज द डेट ऑन विच ही विजिटेड ए विलेज। लेट देम कम आउट एंड से दिस वाज द डेट ऑन विच द प्राइम मिनिस्टर इंटरैक्टेड विद द पुअर ऑफ दिस कंट्री। 7 रेस कोर्स में बैठ के सरकार चलाना बहुत आसान है। When you go out there in the field and meet with the common people, then you realize कि उनकी तकलीफ क्या है। और हम लोग जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो ठीक वही भावना लेकर आते हैं वहां से कि उनकी तकलीफ क्या है। मैं जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं कि neither the Prime Minister नॉर श्रीमती सोनिया गांधी नो रियल इंडिया। दे डोंट अंडरस्टैंड रियल इंडिया। दे हैव नो आइडिया ऑफ द पॉवर्टी ऑफ द पीपल। दे हैव नो आइडिया ऑफ द प्राइवेशन एंड द मिजरी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। और यहां बैठ के फैसले कर रहे हैं कीमत बढ़ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कीमत बढ़ा दिया, एडमिनिस्ट्रेट प्राइसेस बढ़ा दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, एक बहुत मशहूर उनकी उक्ति है, उन्होंने कहा जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, और आज ये समय आ गया है कि इस करप्ट और संवेदनहीन सरकार को इस देश की जनता उखाड़ कर फेंके। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि हम इस मंच से इनके सहयोगी दलों को चेतावनी दे रहे हैं आज के दिन, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, जो डीएमके हो, जो आज खड़े हैं इस सरकार में और इस पाप के भागीदार हैं, प्रोफॉर्मा प्रोटेस्ट हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक बयान दे दिया
और कह दिया हम सरकार के साथ नहीं हैं, हम सरकार से नाराज़ हैं, आप सरकार से नाराज़ हो तो सरकार का साथ छोड़ो, और अगर नाराज़ नहीं हो तो कहो कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम भुगतने हैं वो भुगतने के लिए तैयार रहो। बीजेपी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी सच प्रोफार्मा प्रोटेस्ट फ्रॉम द अलाइज ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन गवर्नमेंट टुडे। और मैं पूरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आई एम आस्किंग द पीपल ऑफ इंडिया टू रिवोल्ट अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। ये नहीं चलेगा कि आप जो चाहें बाहर लाद दें, जिस तरह चाहें लोगों को पीस के रख दें और कहेंगे कि नहीं 2014 में चुनाव है इसलिए 2014 में होना चाहिए। पीपल ऑफ इंडिया शुड शो द डोर टू दिस गवर्नमेंट। This government does not deserve to be in office even for a second more. और मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा हूँ मनमोहन सिंह का, इसलिए नहीं मांग रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस संवेदन शून्यता की स्थिति में वो प्राप्त हो चुके हैं उसके कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इस देश की जनता से उम्मीद है, इस देश की जनता को ही ये करना पड़ेगा। ये मैं आपसे कहने के लिए आज के दिन उपस्थित हुआ था। और अब बर्दाश्त के बाहर बात चली गई। पार्लियामेंट का सेशन 22 नवंबर से होगा, उसमें इस जो प्रस्ताव हम लोगों ने पिछली बार पारित किया था और सरकार जो कह रही है जो कर रही है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसमें हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे एक बार फिर। और इस बार कोई प्रस्ताव नहीं, क्योंकि हमने देख लिया कि प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं होता है। दे हैव रिड्यूस्ड पार्लियामेंट टू ए मेयर टॉकिंग शॉप कि डिबेट करो और घर जाओ, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो डिबेट में पॉइंट्स आप स्कोर करके क्या कार्रवाई करवा देंगे। थैंक यू।